एक आदराची भावना म्हणून आपण उभे राहू आणि पास्टर जी मागच्या बाजूने येत आहेत, जोपर्यंत ते येऊन स्थानापन्न होत नाहीत तोपर्यंत आपल्या मिरजकरांचा सांगलीकरांच्या टाळ्यांचा कडकडाट थांबता कामा नये. यस पास्टर, वी वेलकम यू इन द लॉर्ड अँड सेवियर जीसस क्राइस्ट. प्रभु येशु मसीह के नाम से पास्टर सुभाष जी, हम आपके तहे दिल से यहां पे स्वागत करते हैं. यस एवरीबॉडी, अपन सर्वजन परमेश्वरासाठी आणि देवाच्या या महान सेवकासाठी, जाणी फक्त भारत नवे तर भारताच्या पलीक. मसीह तेरे रहमो करम से मुझे क्या से क्या बना दिया, मैंने मांगा था एक छोटा सा गांव, तूने तो आज मिरज और सांगली बहरे मेरे नाम कर दिया. हालेलुया. देखिए, हिंदुस्तान में हम J5 सुभाष गिल मिनिस्ट्री के बैनर के नीचे काम करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने हमें इस काम के लिए अलग किया है, चुना है. तो हम एज ए टीम सब, हम सब एज ए टीम काम करते हैं. तो इस टीम के कोऑर्डिनेटर जो हैं हमारे भाई सुखचैन चांद, ये कोऑर्डिनेट करते हैं हिंदुस्तान में. तो हम एज ए टीम हालेलुया फाउंडेशन की टीम के साथ मिलकर, अलग टीम से नहीं बल्कि इसी टीम के हिस्सा बनकर आगे परमेश्वर के बड़े काम करने के लिए यहाँ पे मौजूद है. ये तो एक टीम है, लेकिन आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम आप हैं. सब अपने लिए एक जोर से ताली बजाएं. ये कुछ भी नहीं है ताली, इतने लोग हों तो तालियों की गूंज जो है वो आसमानों तक पहुंचनी चाहिए. दिल से ताकत के साथ बजा आप अपने लिए रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें जिस्म में आने की तौफीक दी है. हम जिंदा हैं और परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है. हालेलुया, बोले हालेलुया. यीशु मसीह जिंदा है. जिंदा खुदा की जिंदा लोग ही आराधना करते हैं. हालेलुया. जिंदा परमेश्वर की जिंदा लोग ही आराधना करते हैं. आज जब हम पवित्र आत्मा की मदद के साथ एक विश्वास होकर जब आराधना करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलवाना चाहता हूं, कल यहां पे बहुत कुछ हुआ था. आप जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, कल जितने आए थे हाथ ऊपर खड़ा करके दिखाएं. ठीक है, अब आपको मैं एक और सवाल पूछूंगा. कल आपको आशीष मिली थी तो तालियों से पता चलना चाहिए कि आपको आशीष मिली थी. कितनी आशीष मिली वो तालियों से पता चलेगा. तालियों की गूंज से पता चलेगा कि खुदावंद हमारे बीच में मौजूद थे. हालेलुया. मेरा थोड़ा सा
रिवर्ब थोड़ा सा चाहिए मुझे, जब गीत को शुरू करेंगे तो इफेक्ट डालते शुरू डालना साथ, ठीक है। तो हम आज के दिन के लिए शुक्र करते हैं खुदा का, खुदावंद वादों के सच्चे खुदा हैं। और वादा ये है कि जहां दो या तीन मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके बीच में हूं। आप आराधना करने के लिए तैयार हैं? हेलो, अगर तैयार हैं तो बोले आमीन। एक बार फिर से, तैयार हैं तो बोलेंगे आमीन। हालेलुया। वॉल्यूम। हालेलुया। Hallelujah.
बुलंद वासे नहीं छोड़ूंगा, मेरा हाथ छोटा नहीं जो तुझ तक पहुंच ना सके। तेरे सर पर और मेरे हाथ का और तेरे सर का सिर्फ इतना फासला है कि जैसे तू अपने होंठ खोलेगा तो मेरा हाथ तेरे सर पर आ टिकेगा। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah.
Thank you.
ये किसी के बेस की बूम आ रही है ऊपर। तबले की इसको दूर कर माइक को थोड़ा सा। आसमान की तरफ बढ़ाएं, बेटा सेंड समबडी टू कम एंड चेक ऑन द स्टेज। ये रिदम का सेक्शन जो है, हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं, सब एक विश्वास होकर जब हम दुआ करते हैं, एक विश्वास होकर जो कुछ भी हम जमीन पर बांधते हैं वो आसमान पे बन जाता है। हालेलुया, कितने एक विश्वास है यहां पर, बोले हालेलुया। एक विश्वास है तो हाथ हिलाए सब। एक विश्वास जब हम होते हैं तो जो कुछ जमीन पे बांधेंगे वो आसमान पे बन जाएगा।
एक विश्वास जब हम होते हैं तो जो कुछ विश्वास से हम मांगेंगे वो हो जाएगा। एक विश्वास होकर 120 लोग, कितने? आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आई, और जोर से। सिर्फ 120 लोग थे, कितने? 120 में 11 खुदा के ओरिजिनल जो प्रेरित थे वो थे, एक उनमें दोबारा जोड़ा गया था, उसका नाम था मथायस। क्या नाम था? मथायस। वो 12 और 108 दूसरे शागिर्द उनके साथ, सब एक विश्वास होकर, बोले एक विश्वास होकर, ऊपर वाले कमरे में, अपर रूम, क्या कहते भैया? उपरेली, ऊपरली कोठरी, जहां पर खुदावे यीशु मसीह ने मॉन्डी थर्सडे वाले दिन अपने शागिर्दों के साथ बैठकर खाना खाया। मॉन्डी थर्सडे वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन पर जो कपड़ा बांधा था उसको उतार कर उनके पांव धोए। मॉन्डी थर्सडे वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी लेकर तोड़कर शुक्रगुजारी करके धन्यवाद करके ये कहा कि ये मेरा बदन तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है, इसे खाओ और मेरी याद में यही किया करो। फिर प्याला लिया, प्याला लेकर कहा कि ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है। हालेलुया, खुदावे यीशु मसीह का लहू जो है ये पुरानी वाचा में, पुराने नेम में जो जानवरों की कुर्बानियां की जाती थी, हर एक जानवर की कुर्बानी जो थी वो उस बर्रे, उस मेमने की तरफ इशारा करती थी कि एक दिन एक खुदा का बर्रा आएगा, खुदा का मेमना आएगा जो अपना लहू बहाकर तो हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान भी आता है, कम ऑन, हेलो, पूरी दुनिया में हमारा हिंदुस्तान भी आता है, पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी आते हैं, हेलो, पूरी दुनिया में हमारी जनता पार्टी बीजेपी, बीजेपी का एक एक मेंबर पूरी दुनिया में आता है, कांग्रेस पार्टी का एक एक मेंबर पूरी दुनिया में आता है, हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान, मॉरिशियस, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, पता नहीं कितने कितने नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं याद, यूके, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, सारी दुनिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाकर स्वर्ग का रास्ता जो बंद था उसको खोल दिया हुआ है। वो ही कहता है डरो मत, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी ने कहा था ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ की पोशाक तुम नहीं पहनते। और पवित्र आत्मा की सामर्थ की पोशाक जो थी, एक दिन खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद वो फिर दोबारा जमीन पर आए जिंदा होकर, 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मिलते रहे, सिखाते रहे, फिर
एक दिन बातें करते करते उनसे बात करते करते आसमान पर उठा लिए गए. ही इज सीटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फादर. आसमानी बाप की दाहिनी तरफ तख्त पर बैठा खुदा हमारा. हालेलुया. जब वो, अब देखना आपने भी, जब वो शागिर्द आसमान की तरफ देख रहे, देखे जा रहा है, देखे ऊपर, देखे ऊपर, देखे, कम ऑन लुक अप. फरिश्ता उतरा नीचे सफेद पोशाक पहने हुए. फरिश्ता आके खड़ा हो गया और आके कहता है, हे क्या देख रहे हो? वही फरिश्ता आज हमें भी कह रहा है, वही फरिश्ता आज हमें भी कह रहा है, क्या देख रहे हो? यही यीशु जैसे आसमान पर गया, एक दिन फिर से आसमानों पे ऊपर फिर से आएगा. बादलों के रथ पर सवार होकर, फिश्तों के जलाल में, फिश्तों की महिमा में, फिश्तों की महिमा में यही यीशु जो आसमानों पर गया है, एक दिन फिर से तुरी फूंकते ही मेरा गला खराब है, नहीं तो मेरे तुरी फूंक देनी थी अभी. मैं भाई फूंकता रहा हूं, मैं शायद अभी ठीक हो जाए, हो जाएगा अभी ठीक, अभी ठीक होगा तो तुरी फूंकेंगे हम. तुरी फूंकेंगे, तुरी फूंकते ही यीशु मसीह अपने फरिश्तों की महिमा में, अपने फरिश्तों के साथ, और वो तमाम आत्माएं जो यीशु में सोई हुई है वो आसमान पर उसके साथ आएंगी. फरिश्ते ने बोल दिया, अब 40 दिन के बाद 10 दिन और उन्होंने इंतजार किया. बोले 10 दिन और इंतजार किया. फिर से कहें, 10 दिन और इंतजार किया. जोर से कहें, हमें 10 मिनट इंतजार करना पड़े तो मुसीबत बढ़ जाती है. दुआ करने बैठते ना जब हम प्रार्थना में, जब कोठड़ी में बंद करने के लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो अपनी कोठड़ी में जाओ, अपने कोठड़ी के दरवाजे बंद करो, और जो तुम्हारा आसमानी बाप जो गुप्त में है उसके साथ बात करो, क्योंकि वो ही सब गुप्त की बात को जानता है, दिल की बातें परमेश्वर जानता है. हालेलुया. मैं और आप सोचते हैं कि मैंने अपने दिल में ठान लिया, मैं दिल में शरारत कर भी लूं तो कौन देखता है. हे हे मेरे बच्चे, हे मेरी बहना, हे मेरे भाई, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, एक है जो देखता है, यहोवे इलोहीम उसका नाम है, खुदावंद यीशु मसीह देखता है. उसी के वचन में लिखा है कि दिल बहुत धोखेबाज है. हालेलुया. पत्थर दिल को निकालता, वो मांस का दिल डाल देता है, फिर उसमें अपना आत्मा फूंकता है. 10 दिन इंतजार कर रहे थे, एक विश्वास होकर, बोले एक विश्वास होकर इंतजार कर रहे थे. लेकिन इंतजार करने में ये नहीं बैठे हुए हैं ताश खेल रहे हैं. ये ले भैया, ये ले, या इंतजार कर रहे हैं तो बिरयानी भी खा रहे हैं साथ. हमें 3 दिन से बिरयानी मिल रही थी. हेलो हेलो, हमें पता है मीरज की बिरयानी बहुत मशहूर है, लेकिन 3 दिन लगातार इन्होंने हमें बिरयानी खिलवाई है. बहुत अच्छे बात भाई. किधर किधर बैठे हुए हैं सब? एक वो सामने नजर आ गए, ये देखें, इन्होंने भी बिरयानी खिलाई. नहीं, इन्होंने कुछ डिफरेंट खिलाया था.
हम शुक्रगुजारी करते हैं। वो इंतजार जब कर रहे हैं तो बिरयानी नहीं खा रहे थे, लेकिन एक ऐसी खुराक, एक ऐसी खुराक जिस खुराक को खाने से आप हमेशा की मौत पर विजय पा सकते हैं। आत्मिक खुराक खा रहे थे वो, आत्मिक। They were eating the spiritual meal. They were waiting, but they were not playing the cards. They were not eating biryani. They were not drinking. बहुत से लोग, दस बंदे बैठे हो ना, यार शाम पड़ गई है, मुझे कुछ होना शुरू हो गया। क्या हुआ भैया? यार वो बोतल पड़ी है, उसको लेके आओ। बेटे, कलाम में लिखा है कि शराब पीकर मतवाले मत बनो। हेलो, शराब पीकर बोलते जाए, आप जो पीने वाले होंगे वो तो बिल्कुल मुझे गालियां निकालेंगे। मैं नहीं कह रहा बेटा, दिस इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। शराब पीकर मतवाले मत बनो, इससे बद चलनी पैदा होती है, चरित्रहीन होते हैं हम। चरित्रहीन जो है, ये चरित्रहीन जो है, ये बहुत सख्त लफ्ज है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन वो 120 लोग जो थे वो एक विश्वास होकर, बोले एक विश्वास होकर, प्रार्थना कर रहे थे। एक विश्वास होकर प्रार्थना कर रहे थे। एक विश्वास होकर जब मैं और आप आज आराधना जो है ये प्रार्थना ही है। हेलो, आराधना सिर्फ गाना गाना नहीं है, आराधना सिर्फ गाना गाना नहीं है। सुन ले, वचन में एक बात लिखी। आज दोपहर में हम किसी के यहां गए थे, वहां पर एक खुदा ने एक बात सिखाई, आराधना जो है वो सिर्फ गाना गाना नहीं है। वचन में लिखा है कि आपस में मिलने से बाज ना आओ, मिलता रहा करो। मिलने का मतलब क्या? इकट्ठे होकर आत्मिक गीत, आत्मिक गजलें गाया करो। अब आत्मिक गजल जो है, अतुल, अतुल ही है ना आपका नाम, आत्मिक गजल जो है, आत्मिक गजल जो है ये प्यार की पोइट्री, कविता, प्यार की कविता, प्यार की कविता, बोले प्यार की कविता है। आत्मिक गजलें गाए, आत्मिक गजल का मतलब प्यार की कविता। जब इकट्ठे हो तो इकट्ठे होकर जिस तरह से 120 लोग जो हैं वो प्यार की कथा गा रहे थे। प्यार की कथा ये कह रहे थे, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, हालेलुया, तू ही बसा है आंखों में मेरी। जब ये गीत लिखा मैंने, तकरीबन 27-28 साल पहले, तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, यार ये क्या बातें कर रहे हो, ये कोई हीरोइन है जिसको कह रहे हो कि आंखों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी। खुदावंद यीशु मसीह ने पता क्या बोला, कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। महबूब क्या होता है? प्रेमिका। हेलो बिलवट, महबूब जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए अंदर से मोहब्बत के बोल निकलते हैं। हेलो, मोहब्बत के बोल निकलते हैं। 120, एक विश्वास होकर, बोले एक विश्वास होकर, इकट्ठे होकर
आसमान की तरफ देख रहे थे। क्यों? क्योंकि फरिश्ते ने उनको यह पैगाम दिया था कि इस यस्सु को जिसको तुम ऊपर जाते देख रहे हो, एक दिन यही यस्सु दोबारा बादलों के रथ पर आएगा। खुदा भी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बाप से मिन्नत करूंगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजे। प्रेम के गीत गा रहे थे, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है। अच्छा बैठ जाए, बैठना दो, अगर खड़े रहना तो आपकी मर्जी है। एक बात मैं बताऊं, जब बादशाह अपने तख्त पर बैठता है तो प्रजा बैठी नहीं रहती। हेलो, बादशाहों के बादशाह का तख्त लग चुका है यहां पे। यस, बादशाहों के बादशाह का तख्त लग चुका है। दुनिया के बादशाह जो हैं वो थोड़ी देर के होते हैं, लेकिन ये बादशाह जो बादशाहों का बादशाह है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो खुदाओं का खुदा है, वो आसमानों पर अपना तख्त लगा के बैठा और उसने कहा जहां दो या तीन मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके बीच अपना तख्त लगाऊंगा। उसका तख्त लगा हुआ यहां पे। अक्रास तकीरिया बाखुले बिने इब्रियास तकुन्न मखाइल रबो सका। यहां पर कुछ लोगों की किडनीज खराब है, किडनीज की प्रॉब्लम है। आपको अपने किडनी के ऊपर हाथ रखें, कम से कम 10-20 लोग हैं यहां पे, कम से कम 10-20 लोग हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जस्ट पुट योर हैंड अपॉन योर किडनीज एंड आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ये किडनी का दर्द, किडनी की इंफेक्शन यीशु के नाम में छोड़े, इनको यीशु के नाम में। रिसीव इट। अब्रियास्तु लखाना इन मखूरे मद्रुखुस्त मखाले इनमा। कुछ लोगों को कुछ महीने पहले कैंसर डायग्नोज हुआ, कैंसर। अगर आज आप अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में दे दें, जो शाफी खुदा है, जिसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने बदन को छलनी छलनी करवाकर आपके लिए पूरी दुनिया के लिए उनकी चंगियाई का इंतजाम किया है, तो आपका कैंसर आपके बदन में नहीं रहेगा। I command in the mighty name of Jesus, the spirit of cancer, leave. Abrahari in namah. Nagaraista. Oh, hallelujah. कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं, उनके अंदर खुदा में यीशु मसीह के बारे में बहुत से शक है, पता नहीं आया था कि नहीं आया था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, यीशु मसीह जमीन पर आए थे। हालेलुया, यीशु मसीह जमीन पर आए थे और ये सच है, यीशु मसीह जमीन पर आकर सारे दुखों को जो मेरे और आपके थे, दुनिया के दुखों को अपने ऊपर झेला था, यह भी सच है। मेरी और आपकी लानतों को, श्रापों को अपने ऊपर दिया था, यह भी सच है। अपने बदन को, अपनी पीठ को कोड़ों की मार से छलनी छलनी करवाया था, ताकि मैं और आप अपने जिस्म की चंगियाई को ले सकें। ये हुआ था, ये सच है। अग्रीफ पोकुल इन्हा, ये सच है।
सलीब, जो शराबित सलीब थी उसको कंधों पर उठाया था, ये सच है, ये सच है, झूठ नहीं है। ये लोग क्या कहते हैं उनकी प्रॉब्लम है, लोग समझे ना समझे उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन जो समझ जाए उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। हाथों में कीले गड़वाई थी, लकड़ी, लकड़ी जो थी वो आम लकड़ी नहीं थी भाई, ये प्लेन लकड़ी, देख रहे हैं बाजे को, ये प्लेन लकड़ी है, इस किस्म की लकड़ी नहीं थी। दरख्त देखते हैं आप, वृक्ष को, वृक्ष का तना जो है उसके ऊपर छिलतरे जो है, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, सान, लकड़ी के ऊपर जो सान है उस किस्म की लकड़ी थी। यीशु मसीह की पीठ जो है वो 39 कोड़ों के साथ छल्ली छल्ली कर दी गई थी, 39 जख्म नहीं थे, बहुत जख्म थे उसके। एक रिबन में 12 जैसे मार्बल होते हैं इस किस्म के सिक्के के मार्बल थे, उसमें सीसा भी भरा हुआ था, और जहां पर वो पड़ता था मांस खींच के ले आता था, वो बहुत जख्म थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह को उस सलीब के ऊपर चिपकाया तो उसने चिपका दिया उसको, उसके जख्मों में से जो थोड़ा बहुत लहू उसके बदन में था, मुझे और बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए उसके बूंद बूंद लहू जो था बहा दिया गया। ये सच है, क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है मुझसे और आपसे। हाथों में कीले गड़वाई गई, कीले जब गाड़ी गई है तो वो ही लकड़ी जो सूखी लकड़ी थी, जो लानती सलीब थी, लेकिन जिस सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह को लटकाया गया, जैसे ही हाथ में से कील गाड़े गए, हाथ में कील गाड़े गए, यीशु मसीह के हाथों में से कील होकर उसके लहू में कील भीग गए थे, और वो उस सूखी लकड़ी में यीशु का लहू जब बना तो लकड़ी भी बरकत वाली लकड़ी बन गई। उस सलीब की तरफ जब आज हम देखते हैं, हम लकड़ी की तरफ नहीं देखते, हम यीशु मसीह के बलिदान की तरफ देखते हैं। वो जमात है उसी यीशु के मुंह की बातों को पूरा होते देखना चाहते थे, दुआ कर रहे थे एक विश्वास होकर। जब एक विश्वास होकर आप दुआ करते हैं आसमान खुल जाता है, हालेलुया। एक विश्वास होकर दुआ करते हैं आसमान खुल जाता है, एक विश्वास होकर दुआ करते हैं जेल की सलाखें टूट जाती हैं, एक विश्वास होकर दुआ करते हैं जेल की नींव हिल जाती है यीशु के नाम में। उनके ऊपर पवित्र आत्मा आग की जुबाने बनकर उनके ऊपर आ ठहरा, और उन्होंने, आइए 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए, उन्होंने खड़े हो जाए सब, उन्होंने यखूर इलाबा, जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आग की जुबाने बनकर उनके सरों के ऊपर आ ठहरा, और वो सब के सब अन्य भाषा में दुआ करनी शुरू कर दी। यहां पर जितने भी बहन भाई हैं अन्य भाषा में जो दुआ करते हैं, अगर आप है जो अन्य भाषा में दुआ करते हैं, चुपके से नहीं, आपकी आवाज आनी चाहिए। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए दुआ करेंगे हम, हालेलुया, दुआ करनी शुरू करें अन्य भाषा में।
अन्य भाषा में कम ऑन, दुआ कर बेटा, दुआ कर, शुभ बरो Many people are going to receive the baptism of the Holy Spirit right now. Right now. Yaktabaha. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Shuktabaho. Shuktabahali ilabaha. Akhtabani ilamahala bayyesu. अब तो कुरा बहाला बहारी में मकदर बहाए कमान 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 रिसीव इट रिसीव इट वेलकम द होली स्पिरिट कमान वेलकम होली स्पिरिट वेलकम होली स्पिरिट वेलकम वेलकम होली स्पिरिट वेलकम होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का स्वागत करें पवित्र आत्मा का स्वागत करें एक रबा शक का तमा हुआ हेरा हा थैंक यू Come on, पीछे वाले लोग इस साइड पे, इस साइड पे, पिछले हिस्से में खुदा का पवित्र आत्मा आपको छू रहा है आपको छी रिसीव इट रबाशकत मखुरबा लेगरा कम ऑन इतने लोग दुआ करने वाले हो आसमान खुल जाना चाहिए एक सौ बीस लोग एक विश्वास होकर दुआ कर रहे थे तो आसमान खुल गया था यहां पर हम वी आर मोर देन 3000 पीपल ओवर हियर 3000 से ऊपर लोग हैं हम यहां पे कमान Thank you, Jesus. Shibarebe Nahati Namahati Laha Nagadumahana Masika Deka Sonda Roboseke. Thank you, Jesus. Come on.
विश्वोग रूहे पाक के बादल से धुल जाए पहले मन भी अंदर से बारिश होगी बारिश आरुआ रूहे पाक खुदा बंदा रूहे पाक खुदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा Rua
मेरा यीशु 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 मेरा 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 यीशु यीशु वो है हाबी मेरा वो मुनजी मेरा मेरा यीशु यीशु 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 आपकी बारी है देखें साउंड ने गड़बड़ की हुई है लेकिन हमारा साउंड बेशक थोड़ा बैठना शुरू हो गया लेकिन खुला हुआ हेलो ये जो मर्जी होता जाए हम साउंड के बगैर भी काम कर सकते हैं कर रहे हैं ऑलरेडी शैतान जो है वो अपनी पूरी ताकत पूरी कोशिश कर रहा है कि यहां पर हलचल मचाए लेकिन आपको बताना चाहता हूं यीशु के नाम के आगे ये दौड़ चुका हुआ है Hallelujah. He's defeated. उसका जोर नहीं चल सकता यीशु के नाम के आगे किसी गंदी ताकत का जोर नहीं चलता उसके लहू की आग से ये सड़ चुके हुए आपका साथ चाहिए ठीक है आपका साथ चाहिए मेरा यीशु यीशु 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 वो है हादी मेरा वो मुनजी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल पुशा 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 मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल 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 ओ मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल पुशा 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 मेरी मुश्किल में वो मेरे शापी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरे शापी ने दी मेरे दिल को शिफा ओ मेरे शापी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरे शापी ने दी मेरे दिल को शिफा ओ मेरा रब्बुल अफ़्वाज मेरा मुश्किल खुशा मेरा यीशु यीशु 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 मेरा रब्बुल अफ़्वाज मेरा मुश्किल खुशा मेरा यीशु यीशु 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 उसका जुआ नरम और मुलायम भी है 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 वो दायम तक उसका कायम भी है वो है दायम तक उसका कायम भी है वो है दायम तक उसका कायम भी है वो है दायम तक उसका कायम वो है अलशदाई वो है अकोदाई मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु
आपको याद होना चाहिए मरकज के चौथे अध्याय में एक बंदा अपाहिज जो था वो खाट पे लेटा हुआ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों ने बोले कुछ लोगों ने चार लोगों को बुलाया तो क्या किया? कुछ लोग जैसे देखे इतना आप समझ लें कि आप कुछ लोग हैं, ठीक है। अब आपने उस विश्वास के साथ जो यीशु मसीह पर आपका विश्वास है आपने सुना है, बोले हमने सुना है, जोर से कहें हमने सुना है। क्या सुना है? यीशु का नाम, बोले हमने यीशु के नाम को सुना है। फिर से कहें यीशु का नाम सुना है। ये थोड़े से आवाज सुने कि सोनों को सुनाई दिया क्या? हम तो इतना शोर मचा रहे हैं माइक के बगैर भी। बोले हमने, शाबाश, हमने इससे और अच्छा हो सकता है। हम पता क्या कर रहे हैं? हम यहां पर खुले आसमान के नीचे हम जो हैं खुदा का तख्त जो है वो तीसरे आसमान पर है।
बीच में जो फजा है, जो हवा है, इस पर शैतानी ताकते हैं, गंदी आत्माएं। तो हम कहां हैं? हम गंदी आत्माओं के साए में। तो आज जब हम एक विश्वास होकर ये कहते हैं कि हमने, मुझे नहीं सुना रहे आप, उसको कह रहे हैं शैतानी ताकतों को, बोले हमने यीशु मसीह के नाम को सुना है। वो कहता है कि जहां पर दो या तीन मेरे नाम में जमा होंगे, मैं उनके बीच में हूं। सुनो गंदी आत्मा, सुनो यीशु हमारे बीच में है। जोर से ताली बजाएं। अब यीशु हमारे बीच में है। एक समझ लें के चले, एक और डेमोन्स्ट्रेट करते बजाए। इधर इधर, ये अपाहिज नहीं है लेकिन एक सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे लेटर। ये अपाहिज बंदा है, हम सब ने यीशु के नाम को सुना है। बोले यीशु के नाम को सुना है कि यीशु आज इस, कौन सी जगह, ये नहीं, ये ग्राउंड वॉलनेस हॉस्पिटल है, वॉलनेस बॉडी, वॉलनेस बॉडी मिशन कंपाउंड। यीशु आज मीरज में वॉलनेस मेमोरियल हॉस्पिटल की ग्राउंड में आए हुए हैं। अब हम चार लोगों को बुलाकर ये कहते हो, ए भैया इस भाई को उठाकर यीशु के पास लेके चलना। तो हम, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। इसको उठाओ यार, उठा लो उठा लो उठा लो, चल भाई, चुकड़े चुकड़े नो, शाबाश, यीशु के पास। हालेलुया, यीशु के पास लेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एक घर में है। खुदावंद यीशु मसीह समझ ले के ये घर है, यहां बैठे हुए हैं, वो वहां से दाखिल हुए हैं, भीड़ की वजह से आगे नहीं आ सकते। कई बार हम अपनी जिंदगी में अपनी सोचों की भीड़ लिए फिरते हैं, अपने फैसलों की भीड़ लिए फिरते हैं, अपने इरादों की भीड़ लिए फिरते हैं, अपने लालच की भीड़ लिए फिरते हैं, अपनी ख्वाहिशों की भीड़ लिए फिरते हैं। और वो भीड़ जो है, आपके घर में तो यीशु है लेकिन आपको यीशु तक पहुंचने नहीं देती। हेलो, आर यू विद मी? लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपकी आत्मा, जब पवित्र आत्मा की उसकी सबमिशन में, उसके हाथों में आप अपनी रूह को सौंप देंगे, तो पवित्र आत्मा आपको रास्ता दिखाना शुरू करेगी कि हम यीशु के पास किस तरह से पहुंच सकते हैं। चार लोगों ने, दूसरे लोगों ने जिनको चार लोगों को बुलाया, उनका विश्वास, बोले उनका विश्वास, और चार लोगों का विश्वास एक होकर उस अपाहिज बंदे को छत के ऊपर ले गए। अब देखें, जब आपका विश्वास एक होता है, उनको नहीं पता था कि कितने फुट दूरी पर बैठा यीशु, लेकिन विश्वास जो है आपको कैलकुलेट करवा देगा। 20 फुट की दूरी में खुदा में यीशु मसीह बैठे हैं, 15 फुट की दूरी में बैठे हैं, वो छत के ऊपर है, छत कवर किया हुआ यीशु मसीह को, लेकिन बिल्कुल
जहां पर यीशु नीचे बैठे हुए थे उसके ऊपर जाकर आपके विश्वास के कदम उस जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे। जो रास्ते में बीच में रुकावट की छत है आप उसको फाड़कर यीशु मसीह के सामने अपने बंदे को रखेंगे और वो बंदा ठीक हो जाएगा। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, अध्यक्ष कौन है? किसने बोले? आई एम डूइंग द थिंग्स, आई नो, घबराए नहीं। जो यीशु यहां पर है वो सब कामों को पूरा करने की ताकत रखता है। पैसे की फिक्र मत करें। हेलो, लोगों को बरकत मिलेगी, लोग आज वो बीज डालेंगे जो इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं दिया, वो बीज देंगे। मेरा भाई, ए बेटा ठहर जाओ, ए बंद करो यार इनको, क्या कौन है? ऐसे लोग रुकावट डालते हैं खुदा की बरकत। लर्न हाउ टू लिव इन द सैंक्टिफिकेशन, खुदा की हजूरी में बैठना सीखे प्लीज। खुदा के घर की ताजीम आनी चाहिए हमें। एक बंदा काम कर रहा है उसको करने दो भाई, अगर ये काम करना तो आप आके कर लो, हमें क्यों बुलाया आपने? मुझे पता है, सॉरी मैं थोड़ा सा सख्त बोल रहा हूं इसलिए कि आंदा जो भी आप प्रोग्राम करें उसमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मिले दिल को आराम, एक सेकंड, दिल को आराम मिल रहा है? दिल को आराम मिल रहा है? बोलो यीशु मसीह के नाम की। मिले दिल को आराम, ओ मिले दिल को आराम, मिले दिल को आराम, वो
यीशु मसीह के नाम की। बैठ जाइए। देखें, मैं टीम से माफी मांगता हूं, थोड़ा सा सख्त बोला हूं, लेकिन ये सख्त बात मैंने अपने लिए भी बोली है। अगर सपोज करें आप जो कर रहे हैं उसमें मैं कुछ आके ऐसी बात कर दूं तो आपको भी तो थोड़ा गुस्सा आएगा, क्यों जी? पास्टर पिंटू किधर है? अच्छा, किधर? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा सा तो आएगा, तो मुझे भी थोड़ा सा ही आया, तो मैं माफी भी मांग रहा हूँ। सही, आप सबसे भी माफी मांगता हूँ। देखे हमारी सारी जरूरतें जो हैं वो आसमानी खजानों से पूरी होती है। बंदा हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता कोई भी। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, मुझे तकरीबन 23-24 साल हो गए हैं मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करता हूं, 23-24 साल से, 23-24 साल से मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और हमारा छोटा सा चर्च है, छोटे से चर्च से जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो चर्च का रेंट जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई सपोर्ट नहीं, कहीं से कोई पैसा नहीं आता। ठीक है, सुन रहे हैं आप? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा खर्चा काफी है। मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं, घर का खर्चा है, घर का बिल, खाने पीने का खर्चा, कपड़े पहनने का खर्चा, रोटी का खर्चा, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, गाड़ी है छोटी सी, गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी की मेंटेनेंस, पेट्रोल का खर्चा, ये सब मिलाकर मैं बोलूंगा नहीं कितना होता है, काफी है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ना तो मैं ना मेरे बच्चे आज तक कभी हम भूखे नहीं सोए। ना ही आज तक हमारा कोई बिल रहा है। हेलो, ना ही हमारा पानी कटा के बिल नहीं दिया भैया, ना ही हमारी बिजली कटी के बिल नहीं दिया, ना ही हमारी गैस कटी ने बिल नहीं दिया। थोड़े डिले हो जाता है लेकिन बिल पूरे के पूरे आसमान के खजाने से आते हैं। और भाई साहब, इसी तरह से मैं आज आपको एक बीज बोने की महत्वता सिखाना चाहता हूं, बीज बोने की महत्वता सिखाना चाहता हूं। अभी हम थोड़ी देर में बीज लेंगे। पहला राजा, उसमें जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर 17वें अध्याय में एलिया भाई साहब को कितने जानते हैं? जानते हैं आप एलिया भाई साहब को? भाई साहब पता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो भी खुदा का बंदा था। हेलो, वो भी खुदा का बंदा है। तो जब मैं खुदा का बेटा हूं, आप खुदा के बेटे हैं, तो मैं और आप कौन हुए? कम ऑन, भाई भाई हुए ना फिर। तो एलिया भाई साहब को खुदा ने कहा कि मैंने तेरे लिए एक विधवा औरत को हुक्म दे दिया है कि वो तेरी खुराक का इंतजाम करेगी। ठीक है, अब बात सुने, मैं महत्व बीज बोने का महत्व जो है उस पे बात करने लगा थोड़ी सी। इसके बाद हम बीज लेने वाले हैं, साथ साथ बीज निकाल भी लें अपने।
बीज निकाल भी लें। ये बच्चे जो अभी आए थे ये थोड़ी देर में आपके पास आएंगे, आपने बीज बोना है। मैंने कल बात की थी कि हिंदुस्तान में जब हम ऑफरिंग लेते हैं तो उसको कहते हैं जी दान लेंगे हम। हम खुदा को दान नहीं दे सकते, दान भिखारी को दिया जाता है, दान जो है वो जरूरतमंद को दिया जाता है, खुदा जो है वो हमारी जरूरतें पूरी करता है। खुदा के शाही खजाने जब खुलते हैं, उसकी मुबारक मुट्ठी जब खुलती है तो आपकी कमियां पूरी होती हैं। जो कमियां पूरी करने वाला है वो ही कहता है कि तुम भी बीज बो। बीज बोने वाले को बीज, रोटी खाने वाले को रोटी देता है। खुदा ने एलिया को कहा कि मैंने विधवा औरत को तेरे लिए खुराक का इंतजाम किया, वो विधवा औरत जो है वो तेरे लिए खुराक लेके आएगी। अब आया वो तो वो लकड़ियां चुन रही है, लकड़ियां चुन रही है, तो उसको कहता है सुन बेटा मेरे लिए थोड़ा सा ग्लास में पानी लेके आ। वो जाने लगती है तो पीछे से आवाज देता है सुन मेरे लिए एक रोटी भी पका के ले आना। अब उसका जवाब क्या है आप जानते हैं सब, उसका जवाब यह था कि मेरे पास मुट्ठी भर क्या है, मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। अब देखें जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो बहुत ध्यान से मुंह खोला करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि जिंदगी जीवन और मौत हमारी जुबान में है। वो कहती है कि मुट्ठी भर आटा मेरे पास है, थोड़ा सा तेल है मेरे पास, मैं लकड़ियां चुन रही हूं और घर जाके इससे रोटी पकाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। हेलो, क्या बोला उसने, मर जाएंगे। बोलने में बहुत ध्यान रखा करें। एलिया ने कहा ठीक है जैसे तू कहती है वैसे कर। तो क्या हुआ, शी सेड समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कुक ईट एंड डाई। एलिया केम इन एग्रीमेंट विद हर। हेलो, एलिया जो था उसके मुंह के बोलों के साथ जो उसके मुंह के बोल निकले थे उससे कहा कि मैं इस आटे की रोटी पकाकर मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया कहते जैसे करती वो कर, लेकिन पहले मेरे लिए, पहले अपने खाने से पहले मेरे लिए, बोले अपने खाने से पहले, जोर से कहें, सब कहें। ये बहुत एक सीरियस बात बोलने लगा मैं, अपने खाने से पहले जोर से कहें, मेरे लिए एक रोटी बना के लेके आ। तो आटा तो उसका था भाई, वो कह रहा है कि नहीं तू पहले नहीं खाएगी, पहले मुझे लाके दे। एलिया कौन है, खुदा का बंदा। एलिया कौन है, खुदा का बंदा। वो परमेश्वर का जन, पहले मुझे लाके दे फिर तू खा और जो कहती है वो कर। अब देखें उसके पास कितना आटा था, मुट्ठी भर, थोड़ा सा कुप्पी में तेल था, उसकी उसके मुताबिक आखिरी खुराक थी। हेलो हेलो, आखिरी खुराक हमारे पास, आखिरी खुराक हो तो हम पता नहीं किसी जगह पे छिप जाएंगे, हम जाके छिप जाएंगे जाके।
एक देख ना ले, मेरे से कुछ छीन ना ले। लेकिन उस औरत ने, एलिया ने उसको जाने से पहले बोला कि तेरे घर में जब तक अकाल पड़ा है, तेरे घर में ना तो आटे की कमी होगी ना तेल की कमी होगी। उस बरकत के, आशीष के बोलों को उसने सुना। बोले आशीष के बोलों को सुना, और उसने अपनी आखिरी खुराक को आखिरी खुराक समझकर खाया नहीं, बल्कि आखिरी खुराक का बीज जो था वो खुदा के बंदे की जिंदगी में बो दिया। कमो, हाँ, यहां पर किसी की जेब में सपोज करें 500 रुपए का नोट है और वही है, सिर्फ वही है। सपोज करें खुदा आपसे बात कर रहे हैं, कितने होंगे उस विधवा औरत की तरह अपनी आखिरी खुराक जो है खुराक नहीं बल्कि बीज की मानिंद बो देंगे। उसने बीज बोया 3.5 साल, कितने 3.5 साल, 3.5 साल बहुत वक्त होता है भैया, 3.5 दिन निकालने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जब उसने आखिरी खुराक का बीज खुदा की बंदे की जिंदगी में बोया 3.5 साल, ना तो उसके पीपे में आटे की कमी हुई ना उसकी कुप्पी में तेल की कमी हुई। हालेलुया। आज जब आप बीज बोएंगे, मैं आप दलेरी के साथ कहता हूं, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, आई एम अ मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं खुदा का बंदा हूं, मुझे अपना रिश्ता खुदा के साथ पता है। मैं आपको दलेरी के साथ कहता हूं, आज आप जो बीज बोने वाले हैं आपके घरों में कमी नहीं रहेगी कभी भी। ब्रकातिकिल अन्नखुरा दकालई अनुरुखों से भी बहुत से लोग यहां पर कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। मेरी पीपल, यू आर अंडर द लोन, कर्जे के नीचे दबे हुए आप। आज बीज जो बोएंगे आप, विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, आने वाले 2-3 महीनों के बीच में आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। कब? जब आप बीज बोएंगे। तो बीज बोने वाले को बीज देता है, रोटी खाने वाले को रोटी देता है। वो रोटी खा लेती, लड़का तो उसका जैसे उसने बोला था मरा था, लेकिन एलिया ने उसको फिर से जिंदा कर दिया। खुदा ने किया था, लेकिन खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज आप बीज बोएंगे, बहुत से लोग, मैनी पीपल दे आर सर्चिंग फॉर द वर्क, बहुत से लोग काम के लिए आपने अप्लाई किया हुआ। हेलो, इस सेक्शन में कम से कम 15-20 लोग हैं इस सेक्शन में, और ज्यादा बच्चियां, पूरे कम से कम 100 लोगों से ऊपर आपने नए कामों के लिए अप्लाई किया हुआ है। एंड यू आर वेटिंग फॉर द आंसर, आप जवाब ढूंढ रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। लगदी नमो कोई ना, बीज बोए अपनी फसल का इंतजार करें, बीज के साथ साथ अपनी जरूरत भी कहें कि खुदावन ये बीज मैं अपनी इस जरूरत के लिए बो रहा हूं। अपने अपने बीज निकालें, प्लीज बीज निकालें, बीज निकाल के दाहिना हाथ, बीज निकाल के दाहिना हाथ ऊपर करें। ये हाथ आप मुझे नहीं दिखा रहे, ये हाथ आप आसमानी खुदा को दिखा रहे हैं। जैसे आप आसमानी बाप को हाथ दिखा रहे हैं,
जैसे जमीन पर आपकी मुट्ठी बीज बोकर खुलेगी, आसमान से आसमानी बाप का हाथ खुल जाएगा, मुट्ठी खुल जाएगी, उसके शाही खजाने खुल जाएंगे, आपके खत्ते भरने शुरू हो जाएंगे। हाथ ऊपर करें, आई एम गोइंग टू प्रे, कम ऑन। अगर आपका बीज आपके हाथ में है, आपने हाथ ऊपर किया है, तो सब जोर के साथ बोलेंगे आमीन। हालेलुया। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं आपने जो अपने बच्चों के साथ आज बीज के बारे में बात करवाई है। इन्होंने समझकर आज बीज जो अपने हाथों में लिया है, ये एक अच्छी जमीन पर बीज बोने वाले हैं, एक अच्छी जमीन पर बीज बोने वाले हैं। और आपके वचन में लिखा है कि रास्ते के किनारे पर जो बीज बोया गया वो पंछी आए उन्होंने चुग लिया, झाड़ियों में बोया गया वो होगा लेकिन चौक हो गया, कांटों में धूप आई सूख गया। लेकिन जो अच्छी जमीन पर बीज जो बोया गया था वो कुछ 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाया। लेकिन आज इनके हाथों में जो बीज आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये जमीन पर बीज बोकर अपना हाथ खोले, आपकी मुट्ठी खुल जाए, शाही खजाने खुल जाए, 100 गुना नहीं 1000 गुना फल इनको मिले और किसी के घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में सब बोले आमीन। ओके बेटा, किधर है पीपे वाले? ओ किधर है? अब कोई नहीं आ रहा, देखो। हेलो, हुक्म दे दो भैया इनको। चलो भी पीपे वालों, अपने पीपे भरवाओ जाके आटे के। चले 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 चले, ये बच्चे आपके पास आएंगे, अपना अपना बीज बोना आपने। बेटा किच गाओ, कुछ भी गाओ। हालेलुया, अपने अपने बीज बोने शुरू करें। ये खेत आपके सामने खुद चल के आ रहा है, खेत चल के आ रहा है, खेत चल के आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शोको बाया रबा साकाता रमा काबी। नहीं अभी नहीं, वो नहीं, अभी नहीं, कोई भी काम नहीं बढ़ मेरा। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ए यीशु। दिल में बसा लिया है, दिल में बसा लिया है तुझको, 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 वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, आशा यही नासरी, पूजा करूं मैं तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, आशा यही नासरी, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी ता
सर साथ हो यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। हालेलुया। देखिए, जब तक ये बच्चे बीज ले रहे हैं, हमारा जो टाइम है वो हो चुका हुआ, क्योंकि अभी कुछ सरकारी कर्मचारी आए थे तो उन्होंने कहा कि हमें अभी बंद करना होगा। दो चार मिनट में हम एक मराठी गीत भाइयों से सीखा था हमने, उस मराठी गीत को दो चार मिनट में गाएंगे और खत्म करेंगे, ठीक है? जो बीज बो रहे हैं अभी तक, जब आप बीज बोले तो जिन्होंने बीज बो दिया वो खड़े हो जाए, तो जो अभी जो दे रहे हैं वो आराम से बीज बोएं, अभी जाना नहीं है। अभी दो चार पांच मिनट और हम अपने पास हैं, पांच मिनट में हम इस मीटिंग को रैप अप करेंगे। बहुत कॉमन गीत है। आमी आभारी ओ हो, आभारी मान तो यशुरा। ओ आमी आभारी हो, आभारी मान तो यशुरा। आमी आभारी हो,
भारी आ मैया भारी से ताली बजाएं, अपना आभार प्रकट करें, आभार प्रकट करें, कम ऑन, एक मिनट के लिए आंखें बंद करें सब। प्रभु यीशु जी, हम शुक्रगुजारी करते हैं। संजय भाई, हम म्यूजिक नहीं करेंगे, लेकिन आई नीड कपल ऑफ मिनट्स, म्यूजिक नहीं बजाएंगे, साउंड बंद करेंगे, साउंड हल्का सा, दो मिनट करें ना, दो मिनट, सिर्फ दो मिनट, साउंड उनको बोलो लो कर दे, जी, आवाज आ रही मेरी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, दो मिनट बैठ जाएं प्लीज। अगर ये काम मैं नहीं करता तो मैं खुदा का जवाब दूंगा। वो बहन भाई बेटे बेटियां जिन्होंने यीशु मसीह के साथ उसको मुक्तिदाता करके पहले माना हुआ वो नहीं, जिन्होंने नहीं माना, कल जिन्होंने किया वो नहीं, जो आज यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करना चाहते हैं, आंखें बंद रखें सब, अपना दाहिना हाथ ऊपर करें, जो आज मानना चाहते हैं अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जल्दी से आगे आ जाएं, जल्दी से क्विक जल्दी बाहर आ जाएं, सामने आ जाएं, कम ऑन, आगे जल्दी से शिकतबा यकूरा, कमॉन, आजे बेटा, जल्दी, फास्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू, जल्दी बेटा, कमॉन, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू, वी गिव यू प्रेज, थैंक यू, दूसरे लोग दुआ करें प्लीज, दूसरे लोग प्रार्थना करें, जो बैठे हुए हैं प्रार्थना करें, आजे बेटा, गाइड करें इनको थोड़ा सा, स्टूडेंट कहते चले गए पीछे, इनको गाइड करें प्लीज, जरा इधर खड़े हो जाए सब, ऐसे ऐसे बेटा खड़े हो जाए, इधर इधर आ जाए, स्टूडेंट किधर है,